हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिसर। इस चैनल पे ऑलरेडी एडिटोरिया की जो नई करंट अफेयर की बुकलेट आई है उसमें जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फटाफट की 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वन लाइनर है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, पहला है भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी या भूकंप अलर्ट को किस राज्य में लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है गोवा में। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना है, तो ये बन गया है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। नेक्स्ट है 5 अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल, तो ये एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। नेक्स्ट है 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर, तो ये बन गया है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। नेक्स्ट है प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर, तो ये बन गया है पुरी। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख। नेक्स्ट है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है पटना में और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के लिए शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है सूरत में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट है रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये बन गया है गोवा जो रेबीज मुक्त हो गया है। नेक्स्ट है विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है, तो ये लगाया गया है असम में और रबर बेसिकली नेचुरली उगती है ब्राजील शहर में। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है, तो खोला गया है पुणे में। नेक्स्ट है 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट, तो ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है, तो ये बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे। नेक्स्ट है 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये बिहार राज्य है और ये 2 जो शहर है वो है पहला राजगीर और दूसरा बोधगया। नेक्स्ट देखते हैं 21 है जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित करने का निर्णय किया है, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये बन गया है बिहार। नेक्स्ट है भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है भुवनेश्वर में। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। किस शहर में भारत का पहला एम्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है, तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है 27 भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केरल में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, खोले जाने की घोषणा हुई है, तो ये हुआ है केरल में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कोचीन पोर्ट पर। पीपीपी मॉडल के तहत किस राज्य में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है, छत्तीसगढ़ शहर में। भारत का पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की है, उत्तराखंड के द्वारा। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये स्थापित किया जा रहा है मेरठ में। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, बन गया है केरल। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, तो पहला राज्य बन गया है केरल और ये पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एनडीए शासित पहला राज्य कौन बन गया है, तो बन गया है बिहार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का नाम WAG-12B। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं 42
भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया गया है? किया गया है केरल में। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया गया है? असम में। भारतीय विमानपतन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है? पुडुचेरी हवाई अड्डा। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना? गोवा। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य? केरल। यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है गुजरात उच्च न्यायालय। सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य? केरल। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला गया है? तो खोला गया है उत्तर प्रदेश में। 51 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या है। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया? तो किया गया स्वीडन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेमेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश? दक्षिण अफ्रीका। विश्व का पहला 3D प्रिंट स्टील ब्रिज 12 मीटर लंबी है किस शहर में खोला गया है? आम्स्टर्डम नीदरलैंड। 54 इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश? UAE। इंडिया की भीम UPI और QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश? भूटान। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है अल सल्वाडोर। विश्व का पहला नैनो यूरिया क्लिनिक लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन? तो ये इफको द्वारा लॉन्च किया गया नैनो यूरिया लिक्विड। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश? रूस। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति? इलियट पेज। सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश? पलाऊ। नेक्स्ट है 61। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन बना? तो ये बन गया है मो ओब्रॉयन। 62। विश्व के पहले दिवंगत अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा नियुक्त किया गया। देख सकते हैं पॉइंट नंबर 63। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हैमलेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया भारत के द्वारा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो ये बन गया UAE, संयुक्त अरब अमीरात। सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश? लग्जमबर्ग। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो खोला गया लॉस एंजलिस अमेरिका में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर पाने वाले विश्व के पहला केंद्रीय बैंक कौन बन गया? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात UAE। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है ब्रिटेन। लैब निर्मित मास्क की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर। 71 है COVID-19 के खिलाफ विश्व के पहले DNA वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये ZyCoV-D। भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया गुरुग्राम में। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो ये क्या है मेलफावर 400। नेक्स्ट है 74। भारत के किस IIT संस्थान में देश के पहले 3D मकान का उद्घाटन हुआ है? तो ये किया गया IIT मद्रास के द्वारा। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया गया है। भारत के पहले mRNA आधारित COVID-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है HGO-19। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत। नेक्स्ट है 78। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है ऋषिकेश में। नेक्स्ट है 79। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? तो ये भेजा गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है 80। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? तो ये किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। 81 है ओलंपिक इतिहास के एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा भाला फेंक में इनको मिला है। नेक्स्ट है 82। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के नेतृत्व करने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए? तो ये बन गए विराट कोहली।
नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 83, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी सुनील कुमार, दो व्यक्तित्व ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु, ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल अब तक के तीसरे भारतीय। नेक्स्ट 86, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा। नेक्स्ट 87, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट एमपी जबीर। नेक्स्ट 88, टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय साजन प्रकाश। टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट अरुणा तमवार। 90 है, ओपन 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरे शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज जो रूट भारत के खिलाफ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 91, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया होगा, ये तो ये होगा उड़ीसा में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा, कोझिकोड केरल। भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा कुफरी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 97, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया, ये खोला गया नैनीताल उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 98, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया है, ये भी उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले वेनमडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट है 100 नंबर पॉइंट, विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, तो ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।